नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लोजर टेक में। मैं सौरभ, आज आपको मेरी टेक न्यूज़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टेक न्यूज़ 17 के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली टेक न्यूज़ के बारे में। ब्लैकबेरी मोशन दोस्तों लॉन्च हो चुका है। ये दोस्तों आपको मिलेगा वाटर रेजिस्टेंट के साथ। इसके अंदर दोस्तों 7.1.1 एंड्रॉयड नोगेट है। 4000 एमएएच की बैटरी के साथ आपको ये मिलेगा 625 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ। 4GB रैम के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगी। 12MP का रियर कैमरा है और 8MP का फ्रंट कैमरा है, टाइप सी USB पोर्ट के साथ। अब दोस्तों, ये लॉन्च हुआ है सऊदी अरेबिया में और दुबई में। इसकी एस्टिमेटेड प्राइस दोस्तों 28,000 रुपीज़ है। तो इंडिया में कब आता है, इसकी टाइम लाइन तो कोई दी हुई है नहीं। तो दोस्तों, बात करते हैं दूसरी टेक न्यूज़ के बारे में। Xiaomi Mi Mix 2 लॉन्च हो चुका है दोस्तों। 36,000 रुपीज़ में आपको ये देखने मिल जाएगा। 6GB रैम के साथ आपको इसमें मिलेगा 128GB की इंटरनल स्टोरेज। 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो इसमें दिया हुआ है। 3400mAh की बैटरी दी हुई है और टाइप सी पोर्ट ये सपोर्ट करता है। और दोस्तों, 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट बाकी दोस्तों, प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तो दोस्तों, बात करते हैं तीसरे टेक न्यूज़ के बारे में। OnePlus 5T के डिज़ाइंस थोड़े लीक हो चुके हैं। Samsung S8 के कंपैरिजन में ये डिज़ाइंस थोड़े हैं, जो दोस्तों बेजललेस डिस्प्ले में देखने मिल जाएगा आपको। अब दोस्तों, सब फोन में आपको बेजललेस डिस्प्ले मैक्सिमम देखने मिलेगा, जिसका 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है। अब दोस्तों, बात करते हैं चौथी टेक न्यूज़ के बारे में। माइक्रोमैक्स भारत 4 दोस्तों लॉन्च हो चुका है 5,000 रुपीज़ में। माइक्रोमैक्स भारत 3 दोस्तों भी मैंने इसके बारे में अपडेट दिया था आपको, और बेस्ट बाय लिंक मेरे टेक न्यूज़ शायद 8 में है। और इसके अंदर दोस्तों 5 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाएगी और MediaTek का प्रोसेसर दिया हुआ है क्वाड कोर वाला, और 1GB रैम के साथ 16GB की इंटरनल स्टोरेज और 2500mAh की बैटरी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी डील है। 5000 रुपीज़ में आपको एक 4G वोल्टी फ़ोन मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं फिफ्थ टेक न्यूज़ के बारे में। Samsung Galaxy C8 दोस्तों लॉन्च हो चुका है। 30MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा देखने मिल जाएगा आपको। इसके अंदर भी डुअल कैमरा है। 5.5 इंच फुल HD सुपर एमोलेड इसके अंदर डिस्प्ले दी हुई है। 3000mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी। 32GB की इंटरनल स्टोरेज और 64GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट इसमें दिया हुआ है, जिससे चाइना में ऑफिशियली लॉन्च हो गया। तो दोस्तों, इंडिया में जैसे ही आएगा मैं आपको इसके बारे में अपडेट दूंगा। और दोस्तों, इसके अंदर आपको 3 कलर देखने मिल जाएंगे, गोल्ड, पिंक और ब्लैक कलर। तो दोस्तों, बात करते हैं सिक्स टेक न्यूज़ के बारे में। मोटोरोला के फ़ोन्स में आपको एक हैवी डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। मोटो E4, मोटो G5, मोटो M और मोटो Z2 प्ले, इसके अंदर दोस्तों आपको दिवाली के टाइम पे हैवी डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। तो बात करते हैं मोटो E4 के प्राइस के बारे में। जो होता था दोस्तों 9,000 रुपीज़ का, अब दोस्तों आएगा आपको 8,200 रुपीज़ का। मोटो G5 के बारे में, जो आता था 12,600 में, अब दोस्तों आपको मिलेगा 11,000 रुपीज़ में। मोटो एम के बारे में दोस्तों बात करते हैं, तो ये दोस्तों आता था 17,000 रुपीज़ में, अब दोस्तों आपको आएगा ये 13,000 रुपीज़ में। अब दोस्तों, बात करते हैं Z2 प्ले के बारे में। तो दोस्तों, इसका प्राइस हुआ है 29,500 था, तो अब दोस्तों ये मिलेगा आपको 25,000 में। तो बहुत ही हेवी डिस्काउंट आपको दिवाली के सीज़न में मोटोरोला के फ़ोन्स पे देखने मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है अगर आप एक मोटोरोला फ़ोन लेने वाले हैं। तो अब दोस्तों, बात करते हैं सेवन्थ टेक न्यूज़ के बारे में। Samsung Galaxy J7 Prime के लिए Android Nougat का अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से अपडेट कर दीजिए और आपको एक नया इंटरफेस देखने मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। धन्यवाद।